हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 40 साइज पिंच स्कर्ट पैटर्न ब्लाउज सिलाई करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहले बार देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पैटर्न एडजस्ट करने के लिए फैब्रिक का अस्तर को अलग अलग सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से मिलाकर लिया है और उल्टा साइड की तरफ से इसको सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए, मैंने कटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से मैं फिनिशिंग के लिए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। और ये देखिए, जो मैंने यहाँ से पिंच स्कर्ट को ज्वाइन किया है, इसको देखिए बिल्कुल नेक का साइड की तरफ से रखना है। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल बराबर यहाँ से सिलाई लगाना है। इस सिलाई को देखिए बिल्कुल ध्यान में रखकर सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, फैब्रिक में सिलाई कंप्लीट है और अस्तर में भी ठीक इस तरीके से सिलाई कर ले लिया है। तो चलिए अभी बैक पार्ट सिलाई करूंगी। बैक पार्ट में देखिए किस तरीके से सिलाई करना है। यहाँ से देखिए, अलग से मैं नेक पुटी सिलाई नहीं करूंगी। यहाँ से देखिए, अस्तर और फैब्रिक को यहाँ से बराबर आकर सिलाई करूंगी। तो यहाँ से देखिए कितना तक लेना है, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से निशाना लगा लूंगी। इस निशाना के हिसाब से सिलाई लगाऊंगी। तो आप लोगों को भी मेरे जैसे बिना नेक पुट्टी से सिलाई करने से क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से रखना है और इसका ऊपर में अस्तर को रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों साइड की तरफ से बराबर करके ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से नेक को छोटा छोटा काट लगा लूंगी। फिर यहाँ से लगाऊंगी फिनिशिंग का सिलाई। फिनिशिंग का सिलाई देखिए हमेशा अस्तर के साइड की तरफ से ही सिलाई करना है। अगर आप इसमें नेक पुट्टी लगाना है तो नेक पुट्टी का साइड की तरफ से ही फिनिशिंग का सिलाई देना होता है। तो चलिए इसको सीधा साइड की तरफ से पलट कर ले लेना है। और यहाँ पर देखिए, इसको आयरन करके बराबर मिला कर लेना है। तो चलिए दूसरा साइड की तरफ से भी फिनिशिंग की सिलाई दूंगी। उसके बाद फैब्रिक और अस्तर को पूरा घुमाकर सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद सिलाई करूंगी यहाँ से टक्स बैक साइड की तरफ से। इसको देखिए इस तरीके से मैंने फोल्डिंग करके ले लिया है टू फोल्ड में। तो यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी और उठाऊंगी 4 इंच तक उठाकर सिलाई करूंगी। तो ये देखिए बैक साइड की तरफ से इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड की तरफ से सिलाई लगा लूंगी। इसको देखिए बिल्कुल किनारे से बराबर आना चाहिए यह सिलाई। अगर आप यहाँ पर इस सिलाई नहीं देने से भी होता है तो इसको हाथ से तुरपाई कर सकती हो। तो चलिए अभी हुक पुट्टी सिलाई कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, दो साइज का हुक पुट्टी होता है, एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का। जो अभी मैं सिलाई कर रही हूँ ये बड़ा साइज का, जिस साइड की तरफ से हुक का घर बनाना है इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से लेना है और यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। हुक पुट्टी के साइड की तरफ से ही लगाना है फिनिशिंग का सिलाई।
तो चलिए अभी दूसरा साइड का भी सिलाई कर लूंगी। इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से रखना है और इसको उल्टा साइड की तरफ से पलटना है, और ये जिस साइड में हुक सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से ये भी ठीक उसी तरीके से सिलाई होगा। सिर्फ एक को ऊपर के साइड की तरफ से रखूंगी और दूसरा को उल्टा साइड की तरफ से लूंगी। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से हुक पुटी को बराबर सिलाई करके ले लिया है। तो चलिए अभी बस्ट पेन के लिए मेजरमेंट लूंगी। तो बस्ट पेन देखिए आपका जितना तक आता है उसी के साथ एक्स्ट्रा हाफ इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच तक आता है, तो मैं यहाँ से टोटल 11 इंच का बस्ट पेन लगाऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ से पेडेट अटैच करूंगी। इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से लेना है और जहाँ से बस्ट पेन के लिए मेजरमेंट लिया है इसको ठीक मिडल बराबर रखना है। इस तरीके से देखिए उंगली से दबाकर यहाँ पर मैं पिन से पिनअप कर लूंगी। अगर आपके पास पिन नहीं होने से यहाँ से थोड़ा सा सिलाई कर रख लीजिए, तो उसके बाद इसको घुमाकर सिलाई कर लीजिए। अगर इस तरीके से घुमाकर सिलाई नहीं करने से क्या होता है, ये पैरेट जगह में नहीं बैठेगा। अगर पैरेट जगह में नहीं बैठेगा तो पहनने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो इसलिए पैरेट को इस तरीके से पूरा घुमाकर सिलाई कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं दोनों पैरेट बिल्कुल बराबर यहाँ पर सिलाई करके ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से भी नेक पुट्टी पर सिलाई नहीं करूँगी, बिना नेक पुट्टी से यहाँ पर भी सिलाई होगा। और इसको देखिए ठीक बराबर यहाँ से इस तरीके से पिन से पिनअप करके ले लिया है मैंने, और यहाँ से देखिए सिलाई हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। और फ्रंट साइड की तरफ से इस तरीके से सिंपल नेक डिजाइन बनाकर ब्लाउज सिलाई करने से बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से देखिए हल्के से इस तरीके से घुमाकर इस तरीके से लेना है, जहाँ पर कॉर्नर है इसमें भी इस तरीके से हल्के से घुमाना है। बिल्कुल दोनों साइड की तरफ से बराबर आकर सिलाई करना है। तो सिलाई देखिए बिल्कुल बराबर हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से छोटा छोटा काट लगाऊंगी, ये यहाँ से भी फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। फिनिशिंग का सिलाई देखिए हमेशा नेक पुट्टी के साइड की तरफ से, नहीं तो अस्तर के साइड की तरफ से ही लगाना होता है। कभी भी मेन फैब्रिक के साइड की तरफ से फिनिशिंग का सिलाई नहीं देना है। तो चलिए इसको सीधा साइड की तरफ से ले लेना है। ये देखिए सीधा साइड की तरफ से ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ पर किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ से भी कमर में भी बराबर अस्तर फैब्रिक को सिलाई कर ले लिया है। तो यहाँ से देखिए स्लिप सिलाई करूँगी। स्लिप को देखिए यहाँ से फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लिया है और इसके ऊपर मैं अस्तर लूँगी। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। तो यहाँ से भी फिनिशिंग का सिलाई करने के बाद इसको सीधा साइड की तरफ से ले लूंगी। ये देखिए सीधा साइड की तरफ से ले लिया है। तो चलिए फैब्रिक और अस्तर को पूरा घुमाकर एक सिलाई कर लूंगी। दोनों साइड की तरफ से स्लिप को इस तरीके से सिलाई कर लूंगी। उसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करूंगी। तो चलिए बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बराबर करके ले लूंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड की तरफ से मैंने नेक पुट्टी सिलाई नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर आकर सिलाई करूंगी।
तो चलिए स्लिप प्लेन करूंगी। तो यहाँ पर देखिए स्लिप को बिल्कुल मिडल बराबर मिलाकर सिलाई करूंगी। स्लीव को सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए किनारे से सिलाई करूंगी। इसके लिए मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, बिना मेजरमेंट से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, हम कभी भी ब्लाउज को छोटा बड़ा करने में बहुत ही आसान होता है। उसके बाद सिलाई करूंगी कमर पट्टी। तो उसके बाद फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी कमरपट्टी के साइड की तरफ से। तो चलिए अभी कमरपट्टी को उल्टा साइड की तरफ से इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूंगी। फिर चलिए 42 साइज के हिसाब से यहाँ से मेजरमेंट ले लूंगी। फिटिंग हमें इसे बैक साइड की तरफ से ही करना है। तो उसके बाद सिलाई करूंगी डोरी। डोरी यहाँ पर मैंने उड़ेप काट किया है, तो यहाँ पर आप जितना छोटा साइज के डोरी बनाना चाहते हो आप इसको बना सकते हो। तो चलिए डोरी को सीधा साइड की तरफ से प्लाट कर ले लूंगी।
तो यहाँ पर मैंने छोई धागा से डोरी को सीधा साइड की तरफ से पलट कर ले लिया है। तो अभी इसके लिए फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से मैं कुछ टीशा बना लूँगी। आपको जितना तक इसको साइज चाहिए आप अपने हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से काट कर लिया है, जितना तक यहाँ पर फ्लावर के लिए चाहिए मैंने उतना तक ही काट करके ले लिया है। तो अभी देखिए इसी के हिसाब से फैब्रिक में भी काट करूँगी। और ये देखिए मैंने आज तक में जिस तरीके से काट किया है यहाँ पर फैब्रिक को भी ठीक उसी तरीके से काट लगाऊंगी। तो चलिए आज तक फैब्रिक को घुमा कर सिलाई कर लूँगी। फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से रखूँगी और इसका ऊपर में देखिए अस्तर को इस तरीके से रखना है और यहाँ से पूरा घुमाकर सिलाई कर लूंगी। तो सिलाई करने के बाद देखिए इस तरीके से बिल्कुल मिडल बराबर यहाँ से काट कर लूंगी। मिडल बराबर काट करने के बाद इसको सीधा साइड की तरफ से पलटना है इस तरीके से। चाहो तो आप इसके किनारे में लेस लगाना है तो लेस लगा सकती हो, मैं यहाँ पर लेस नहीं लगाऊंगी, सिंपली रखूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाकर ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर फ्लावर सिलाई करूंगी, देखिए इस तरीके से। तो इसको सीधा साइड की तरफ से करने के बाद फिर से और एक फ्लावर सिलाई करूंगी, सभी को इस तरीके से सिलाई करके ले लूंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से फ्लावर बना लिया है फेब्रिक से। तो चलिए अभी इसको ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो जहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को बराबर यहाँ से ज्वाइन किया है वहाँ से मैंने 3.5 इंच तक लेकर यहाँ पर दोनों साइड की तरफ से बराबर अटैच करूंगी। तो फ्रेंड्स ब्लाउज का सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो इस तरीके से ब्लाउज सिलाई करना बहुत ही इजी है, अगर इसका कटिंग सही तरीके से काट करने से ब्लाउज सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।